दोस्तों, अपने अलग अंदाज के लिए दुनिया भर में जाने जाने वाले पीएम नरेंद्र मोदी जी की आज पूरी दुनिया फैन है। सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा फॉलो करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ही हैं। भारत के चहेते पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे रोचक बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी पूरे 73 साल के हो जाएंगे और इस उम्र में भी उनके स्फूर्ति, फिटनेस और अनुशासन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सुबह 4 बजे उठते हैं और उसके बाद सीधा रात को ही बिस्तर पर लेटना पसंद करते हैं। मोदी जी को पढ़ना काफी पसंद है। जब वो देश में होते हैं तो गंभीर विषयों पर पढ़ने का मौका उन्हें कम मिल पाता है। ऐसे में जब भी वो विदेशी दौरों की फ्लाइट में होते हैं तो वो उस वक्त का सदुपयोग करते हुए अपनी मनपसंद किताबें या न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। उन्हें 7 रेस कोर्स रोड पर चहलकदमी करना काफी पसंद है, लेकिन वो अपनी व्यस्तताओं के चलते ऐसा मुश्किल से ही कर पाते हैं। लेकिन वो योगा और ध्यान लगाने की अपनी पुरानी आदतों को कभी नहीं भूलते। दोस्तों, आजकल जहां युवा वर्ग 10 से 12 घंटे सिर्फ सोने में निकाल देते हैं, यानी कि अपनी आधी जिंदगी सोकर बर्बाद कर देते हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार को बताया था कि वो रात में 3 से 4 घंटे ही सोते हैं और ऐसा वो लंबे समय से कर रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत वो योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार और मेडिटेशन के साथ करते हैं और यही उनकी स्फूर्ति का सबसे बड़ा राज है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सुबह हल्के फुल्के नाश्ते के साथ अदरक वाली चाय पीना पसंद करते हैं। मोदी जी अपने खान पान को लेकर काफी स्ट्रिक्ट हैं और मसालेदार भोजन से दूर रहते हैं। वो ज्यादातर गुजराती और उत्तर भारतीय व्यंजन जैसे कि खिचड़ी, कड़ी, उपमा, खाकरा खाना पसंद करते हैं, जिसे उनका कुक बद्री मीना तैयार करता है। दोस्तों, डीएनए में छपी एक खबर के अनुसार मोदी जी अपनी डाइट में पराठे और हिमाचल प्रदेश के मशरूम को भी शामिल करते हैं। मोदी जी रोज सुबह अखबार जरूर पढ़ते हैं ताकि पता चले कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। आइए जानते हैं कि मोदी जी कितने घंटे काम करते हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को वर्कहोलिक कहा जाता है और वो खुद जमकर काम करते हैं और उनकी टीम और मंत्रियों को भी कड़ी मेहनत करने को कहते हैं। वो दिन में करीब 18 घंटे काम करते हैं। नरेंद्र मोदी रोज सुबह 9 बजे समय से अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं। ज्यादातर वो अपनी मीटिंग 7 रेस कोर्ट पर ही करते हैं, जो कि कभी कभी लगभग आधी रात तक चलती है। दोस्तों, मोदी जी की अधिकांश मीटिंग 10 से 15 मिनट ही चलती है। मोदी जी एक अच्छे लिसनर के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन वो उस वक्त सामने वाले को ज्यादा वक्त नहीं देते जब उन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ज्यादा ही समय ले रहा है। दोस्तों, मोदी जी के बारे में खास बात ये है कि उनके हाव भाव के जरिए उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसे मापना बहुत मुश्किल होता है। मोदी जी शाम की चाय 4 बजे पीते हैं। उन्हें चाय के साथ बिस्कुट खाना पसंद है। दोस्तों, मोदी जी अपना रात का भोजन ज्यादातर टीवी देखते हुए खाना पसंद करते हैं। रात में सोने से पहले वो टीवी पर समाचार देखते हैं। मोदी जी ज्यादातर अपने करीबियों से रात के समय ही बात करते हैं और 12 से 1 बजे के बीच वो सो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घड़ियों और फाउंटेन पेन का काफी शौक है। उन पर लिखी किताब नरेंद्र मोदी द मैन में उनके शौक और कपड़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। मोदी जी अपने शुरुआती दिनों से ही खुद को अच्छे कपड़ों में रखना और खुद को ग्रूम्ड रखना पसंद करते हैं। कई बार उन्होंने अपने लुक्स चेंज किए हैं, जिसके कारण भी वो काफी चर्चा में रहते हैं। दोस्तों, राजनीतिज्ञ विशेषज्ञ मोदी के काम करने के तरीकों को कॉरपोरेट स्टाइल का बताते हैं। वे अपने भाषणों में सीईओ की तरह टिप्स देते हैं और ये बोलना गलत नहीं है कि हमारे देश को एक एक्टिव पीएम मिले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस लेकर आपके लिए आते रहते हैं। हमारी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हम जो भी नए वीडियोस बनाएं उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।